खबर चमोली से है जहां उत्तराखंड के 5 विधाम हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बंद होंगे। कपाट इस वर्ष 22 मई 2022 को खोले गए थे। बताया गया कि इस वर्ष हेमकुंड साहिब के 2,15,000 तीर्थयात्री तीर्थ के दर्शन के लिए कर चुके हैं। गोविंद घाट गुरुद्वारा प्रबंधन सेवा समिति ने बताया कपाट बंद होने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के न्यासी मंडल ने निर्णय लिया है कि गुरुद्वारा साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को दोपहर 10 बजे से प्रक्रिया शुरू कर 1 बजे तक बंद हो जाएंगे। हेमकुंड साहब में सोमवार को परम्परा अनुसार सुबह 10 बजे कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत यहाँ 10 बजे से लेकर 11:15 बजे तक सुखमणि साहब को पाठ किया जाएगा। 12:30 बजे सबल कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और दोपहर 1:30 बजे गुरुद्वारे में इस वर्ष की अंतिम अरदास का हुक्मनामा पढ़ा जाएगा। इसके पश्चात गुरु ग्रंथ साहिब को पंच प्यारों की अगुवाई में सचखंड में विराजमान कर हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बता दें कि हेमकुंड साहब चमोली जिले के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये तीर्थ स्थल करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। हर साल लाखों की संख्या में सिख तीर्थयात्री दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर अवनीश जैन की रिपोर्ट।